नमस्कार। आज का पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके आज मैं आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बता रही हूँ जो प्रत्येक 5 अंक का होता है। इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सर्यू ने 4 चित्रों को श्रृंखला के पहले चित्र में जनतांत्रिक और गणतंत्रों से मिलकर बने अपने सपनों के संसार की कल्पना कैसे की थी। उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सर्यू ने जो चित्र बनाए थे उस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, मैंने दिया है वीडियो में, सभी आयु और सामाजिक वर्ग के नर नारी एक लंबी पंक्ति में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसके पीछे पीछे एक लंबी लाइन में लोग जा रहे हैं और यह उसने पहला अपना जो है भाव दिखाया था सर्यू ने। दूसरा, एक महिला का चित्र दिखाया गया है जिसके एक हाथ में जलती हुई मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिया हुआ है। तीसरा, प्रतिमा के सामने भूमि पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी प्रतिमा के सामने आप देखेंगे तो ज़मीन पर कुछ निरंकुश संस्थान हैं जिन पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, उनके टूटे फूटे अवशेष बिखरे हुए हैं। चौथा, सरयू के कल्पना आदर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके झंडों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यानी सरयू ने कल्पना की थी कि दुनिया में सभी राष्ट्र अलग अलग हैं और समूहों में बटे हुए हैं, उनके प्रत्येक के अपने झंडे और प्रत्येक की राष्ट्रीय पोशाक है। पांचवा, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। आप चित्र में देखिए, आपको दिखाई देगा चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यानी चित्रकार चाहता था कि सभी राष्ट्र जो हैं मिलजुल कर रहें, उनमें आपस में भाईचारा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के मध्य के यूरोप की प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें पहला पॉइंट होगा, जर्मनी जैसे बड़े देशों की तरह इटली भी छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। दूसरा, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी सबकी संस्कृतियां भिन्न थी और उनकी कोई एक सामूहिक पहचान नहीं थी। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग प्रकार के लोगों में बटा हुआ था। तीसरा पॉइंट है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। सबकी भाषाएं अलग थी और उनकी जातियां भी अलग अलग थी। उदाहरणतः है ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ करके बनाया गया था। मध्य वर्ग जिसमें श्रमिक, किसान, क्लर्क आदि शामिल थे, इनका प्रसार आरंभ हो गया। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन के शासन के दौरान फ्रांस के प्रशासन में स्थापित क्रांतिकारी सिद्धांतों का उल्लेख करें। इसमें पहला पॉइंट है, उसने नेपोलियन संहिता को लागू किया जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। यानी प्रत्येक व्यक्ति को समानता और संपत्ति रखने का, भूमि आदि रखने का अधिकार दे दिया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी,
जैसे कई यूरोपीय भागों में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिलाई। किसानों में भूदासत्व पाया जाता था, यानी वो जिस भूमि पर कृषि करते थे उसमें वह दास की तरह रहते थे, इससे उन्हें मुक्ति दिला दी गई। और जागीरदार जो लोग होते हैं, जो ज़मीन के मालिक लोग होते हैं, वो शुल्क लेते थे किसानों से, उसे भी बंद कर दिया गया। उसने शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटाया। शहरी कारीगरों पर उनके जो ग्रुप होते थे उनका नियंत्रण होता था, उसे हटा दिया गया। उसने आंतरिक ढांचे पर अधिक बल दिया, उदाहरणतः यातायात, बैंकिंग और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगर, मजदूर, व्यापारी आदि सहित आम लोगों ने इन सभी सुधारों की सराहना की। एक समान कानून, मानक भार और एक राष्ट्रीय मुद्रा आरंभ कर दी गई। प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए किन्हीं 5 कदमों का उल्लेख करें। पहला कदम है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पूर्ववर्ती राजध्वज की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। प्रश्न है, 18वीं सदी के मध्य यूरोप की सामाजिक संरचना का वर्णन करें। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक व राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सर्वाधिक प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार फैली थी। दूसरा पॉइंट है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा शहरों में हवेलियों के मालिक थे। वे राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गीय लोगों के बीच फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार प्रायः वैवाहिक बंधनों से परस्पर संबद्ध होते थे। तीसरा, यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था। चौथा पॉइंट, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पांचवा पॉइंट, औद्योगिक उत्पाद और व्यापार में वृद्धि से मध्य वर्ग का उदय हुआ।